स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी देता हूँ। दोस्तों इधर कुछ दिनों से मैं ट्रक के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, नए ट्रक हो या पुराने ट्रक हो। आज मैं ट्रक के कंपोनेंट के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आपके ट्रक का ट्रैकिंग में सहायता करता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीपीएस के बारे में, जिससे कि ट्रकों को ट्रैक किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आज मोबाइल पे आपको पूरा का पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा जीपीएस का, कि किस तरह से ये जीपीएस काम करता है, किस तरह से आपका ट्रकों का ट्रैकिंग होता है, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है, किस तरह का रिपोर्ट ये दिखाता है। इसके साथ ही इसका वेब पेज भी है, आप वहां पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। चूंकि मैं वेब पेज का यहाँ पे आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मोबाइल पे सिर्फ मैं आपको डाउनलोड करके कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल करके ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और इसकी पूरी जानकारी दूंगा। विश्वास कीजिए, अभी तक जो भी आप जीपीएस मार्केट से यूज करते हैं उससे बेहतर है ये जीपीएस। इसमें आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो कि दूसरे सारे डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, दूसरे सारे एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। तो चलते ही एक डेमो वर्जन है, डेमो वर्जन से मैं स्टार्ट करता हूँ और किस तरह से करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को और समझिए कि अगर आपका ट्रक कहीं जाता है तो उसको किस तरह से देखना है, कहाँ कहाँ पे कितना स्टॉपेज हो सकता है, वो ट्रक कितने स्पीड में चलता है, कौन से रूट पे गया है, किधर किधर से गया है, वो सारा आपको डिटेल्स इस एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर के आपको डाउनलोड करना है डिजिटल ट्रैकिंग, ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आप देखते होंगे ओपन करने के बाद ये उसका होम स्क्रीन है, डिजिटल ट्रैकिंग है ऊपर में लिखा हुआ देख रहे हैं, उसके बाद है लॉग इन, नीचे साइन अप, बीच में है डेमो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको डेमो दिखाते हैं, ना तो लॉग इन करते हैं ना तो साइन अप करते हैं, सिर्फ हम डेमो के थ्रू ही पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। डेमो में वो सारे डिटेल्स अवेलेबल है जो पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाने के बाद जो भी डिटेल्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे डेमो पे क्लिक करते हैं, डेमो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है मेक पेमेंट एक्सपायरी, सारे जो हिसाब किताब है आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करने के बाद ये आपका जो है डैशबोर्ड है एक तरह से, यहाँ पे आपको कुछ जानकारी जो है मिल जाएगी। क्या क्या जानकारी मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस डेट में कितना ट्रक चला है, ऊपर जो रनिंग किलोमीटर चार्ट है आप देख रहे होंगे, जो बार टाइप का आ रहा है, सॉरी जो लाइन टाइप का आ रहा है। इसके बाद अभी के टाइम पे इस एप्लीकेशन पे 9 ट्रक रजिस्टर्ड है, तो उस 9 ट्रक का डिटेल्स क्या है, रनिंग में कितने ट्रक है, स्टॉप कितना है, आइडल कितना है, नो डाटा, मतलब जिसका डेटा कोई नहीं आ रहा है, तो सब मिला के कितने ट्रक है, तो 9 ट्रक है। अगर आज के डेट में हम देखना चाहें तो यहाँ पे दिखाता है कि कौन सा ट्रक कितने किलोमीटर रन किया, तो एक है 6159, ये 101 किलोमीटर है, 9877 ये 6 किलोमीटर है, दूसरा है वो है 103 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। आप अगर ट्रक वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे 9877 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 14 से लेकर के 20 तारीख तक का कि किस डेट में ये ट्रक जो है कितना किलोमीटर रन किया है। इसके बाद हम दोस्तों नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो मैप है, मैप पे क्लिक करते हैं। मैप पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आज के डेट में आपकी जो भी गाड़ी है जिसमें भी ये जीपीएस लगा हुआ है, चाहे वो कार हो, बस हो, या ट्रक हो, बाइक हो, जिस भी तरह का कोई गाड़ी हो, इसका क्या स्टेटस है, कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, एक तो दिल्ली एनसीआर ये दिख रहा है, आई थिंक ये गाजियाबाद नोएडा के आसपास कहीं का है, हाँ ये ग्रेटर नोएडा के आसपास का है, तो एक तो ग्रेटर नोएडा के आसपास है। अब दोस्तों अगर मुझे डिटेल्स चेक करना है इस ट्रक का, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह मैप पे फिर से ओपन होगा, नीचे में जो आप देख रहे हैं उंगली टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये दिखाता है कि ये ट्रक अभी के टाइम पे कहाँ पे है, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाएगा, अगर गाड़ी चल रही है तो उसका स्पीड दिख जाएगा, लेटेस्ट अपडेट कितने टाइम का ये अपडेशन है वो यहाँ पर दिख जाएगा, आज के डेट में ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 5 चीजें हैं। पहला जो है वो है आपका नेटवर्क का, नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा है। दूसरा है वाईफाई, जो आपका जीपीएस जीपीआरएस का जो कनेक्टिविटी होता है वो
और इसी तरह से तीन चार तीन चीजें जो है और दिख रही है। इसके बाद हम नीचे में क्लिक करते हैं, नीचे में दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक प्ले बटन, दूसरा व्हाट्सएप। अगर मुझे ये लोकेशन किसी के साथ शेयर करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और ये लोकेशन जिसके नंबर पे मुझे भेजना है वहां पे चला जाएगा। अगर हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे दिखाएगा कि आज के डेट में ये गाड़ी कहाँ कहाँ चला था। तो यहाँ पे हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है नो डेटा फाउंड, मतलब कुछ खास ये गाड़ियां चली रही है तो इस पे कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है। बट अगर हम किसी दूसरे ट्रक पे जाते हैं तो वहां पे आपको डेटा दिख जाएगा, वो मैं अभी फिर से आपको दिखा दूंगा कहां पे दिखेगा। इसके बाद दोस्तों क्लिक करते हैं लिस्ट पे, लिस्ट पे है आपका गाड़ियों का डेटा, वो भी लिस्ट वाइज आपको दिखेगा किस तरह से कौन सी गाड़ी कहां है, क्या स्टेटस है, कहां पे चल रही है, नहीं चल रही है, किस स्पीड में चल रही है, तो वो सारा आपको यहां पे दिख रहा है। अब जैसे कि हम देखते हैं 6159 ट्रक है, स्टॉप है 1 घंटे 59 मिनट से। आज ये गाड़ी कितनी चली है, 101 किलोमीटर 24 किलोमीटर चली है, मतलब कि 240 मीटर चला है। अभी के टाइम पे आपका जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो मैं अभी बता रहा था आपको कि GPRS का एक लोगो है, दूसरा आपका नेटवर्क सिम का लोगो है, तीसरा आपका गाड़ियों का लोके ये लॉक है या ओपन उससे रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे आपको फोन का सिंबल दिख रहा होगा, हम यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं ड्राइवर को। व्हाट्सएप का निशान दिख रहा होगा, यहाँ से हम इस लोकेशन को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले का बटन दिख रहा होगा तो हम प्ले के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है किस तरह से कहाँ कहाँ चली है। तो एक बार हम देखते हैं इसको क्लिक करके कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ चली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये हमको दिखाता है कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल देख रहे होंगे ऊपर में, इस पे हम सिंबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मुझे दिखाता है कि आपको इसको स्लो में देखना है या फास्ट में देखना है। तो हम क्या करते हैं इसको 5x में क्लिक कर देखते हैं। आप देखते होंगे आप कितने स्पीड में ये जो है गाड़ी मूव हो रही है, मतलब कि दिखा रहा है कि कैसे कैसे ये गाड़ी मूव हुआ है। अब हम चलते हैं फिर से बैक पे, बैक पे जाने के बाद अदर्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अदर्स के ऑप्शन पे आपको तीन चार चीजें दिख रही है। तो दोस्तों पहला है हिस्ट्री व्यू, दूसरा है रिप्ले व्यू, तीसरा है रिपोर्ट। हम रिपोर्ट पे चलते हैं। रिपोर्ट में यहाँ पे कुछ डिटेल्स है रिपोर्ट्स का जो कि एप्लीकेशन पे दिखाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सारे रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, चाहे वो डिटेल रिपोर्ट हो, डिस्टेंस रिपोर्ट हो, डेली डिस्टेंस रिपोर्ट हो। अभी के टाइम पे ये एक्चुअल में डेमो वर्जन है, इसलिए यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट नहीं चलेगा, बट एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो दोस्तों ये दिख रहा है यहाँ पे कि कौन से डेट में ये ट्रक जो है कितने किलोमीटर रन किया है। अब ये डेट वाइज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आप डेली का डिस्टेंस ट्रक वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। हॉल्ट रिपोर्ट आप चाहे तो हॉल्ट रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हमारा ट्रक आज की डेट में कितना घंटा रुका है। किसी भी ट्रक मालिक के लिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है देखने के लिए कि कितना हमारा ट्रक चलता है, कितना रुकता है, तो हम यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें अभी कोई डेटा नहीं है, मतलब कि ये जो ट्रक है कहीं पे होल्ड नहीं हुआ है इसलिए कोई डेटा नहीं है। स्टॉपेज समरी, कहाँ कहाँ पे गाड़ी रुकी है, ये सारे जो है रिपोर्ट्स बहुत ही काम के होते हैं किसी भी फ्लीट ऑनर के लिए, किसी भी ट्रक मालिक के लिए। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और इस तरह से अपने गाड़ियों का ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन और बचता है जो है न्यू, न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको हमारा वीडियो, क्योंकि डिजिटल ट्रैकिंग का ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेशन हो रखा है, इसलिए जो भी ये एप्लीकेशन यूज करेगा वो चाहे तो वहां से डायरेक्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियो को भी देख सकता है। तो एक ये भी आपको यहाँ से फैसिलिटी मिल जाता है। अब थोड़ा सा हम आपको सेटिंग्स वगैरह दिखा देते हैं। सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहां से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल अपना एडिट कर सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आपको करना होगा वो आप लैंग्वेज यहां से चेंज कर सकते हैं, मैप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है डैशबोर्ड सेटिंग, डैशबोर्ड सेटिंग में आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि हम रखते हैं यहाँ पे रनिंग किलोमीटर चार्ट, इस पे क्या किया, क्लिक किया। अब इसको क्लिक करने के बाद जब हम होम पे आएंगे तो हमारा जो ऊपर में अभी लाइन लाइन करके देख रहे थे स्टार्टिंग में जो दिख रहा था वो अब गायब हो चुका है, मतलब कि ये जो डैशबोर्ड है ये कस्टमाइज किया हुआ डैशबोर्ड है। आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है
आप यहां से उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का और कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारे चैनल पे भी पूछ सकते हैं, हम आगे में बात करके आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।